देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट की, तो इसमें केवल दो ही हिस्से होते हैं और जो सबसे लास्ट नोड होती है वो नल रखती है। अगर हम डबली लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं तो हमेशा तीन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखती है, प्रीवियस प्रीवियस नोड का एड्रेस रखती है, लेकिन पहले में, पहले के प्रीवियस में और लास्ट के नेक्स्ट में नल रहता है। सर्कुलर अगर होती है तो नल होता ही नहीं है, लास्ट वाला पहले का एड्रेस रख लेती है। सिंगली सर्कुलर बोलते हैं इसको एक तरह से। और डबली सर्कुलर होती है तो लास्ट वाली पहले का और पहले वाली लास्ट का एड्रेस रखती है। अब डायग्राम में अंतर देखो आप। अगर मैं बात करता हूँ केवल ये लिंक लिस्ट और इसकी नोड बना रहा हूँ, इसकी और इनकी, इन दोनों के लिए, तो आपको केवल नेक्स्ट हिस्सा रखना है, क्योंकि इसमें हर एक में दो दो हिस्से, एक डेटा हिस्सा और एक नेक्स्ट हिस्सा। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो आपको तीन तीन हिस्से लेने, डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस, पहली चीज। नेक्स्ट जो चीज वो ये है कि अगर मैं नोड बनाता हूं, देखो मैं सबसे पहले पहले की बात करता हूं, नोड बनाओ, न्यू लिस्ट, नोड में डेटा, ये चारों में ही करना है, कॉमन बात है। चलो मैं क्रिएशन समझा रहा हूं तुम्हें, फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहली बात, पूरा मैटर एज इट इज नहीं बता रहा मैं, बेसिक बात आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, जो कोई भी लिंक लिस्ट हो उसमें तुम्हें पहली बात तो यही पूछनी पड़ती है, क्या स्टार्ट नल है क्या? नल तो होगा ही, जब लिंक लिस्ट बननी ही नहीं शुरू हुई तो स्टार्ट तो नल होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं कि जो भी पहला ब्लॉक आएगा, चाहे वो इस शक्ल का हो, दो वाला हो, चाहे ऐसे ऐसा हो, डबल वाला, कुल मिला के उसका नाम होगा नोड और उसका नाम स्टार्ट होना चाहिए। चाहे कोई भी तरह की लिंक लिस्ट पढ़ लो, पहली नोड का नाम स्टार्ट होता है। तो हम कैसे करते हैं, लिखते हैं स्टार्ट बराबर नोड, वैल्यू राइट टू लेफ्ट चली गई, मतलब इसका नाम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। चाहे इसका नाम स्टार्ट हो जाए, चाहे इसका नाम स्टार्ट हो जाए, बात एक ही है। सिंगली में दो हिस्से होते हैं, डबली में तीन हिस्से होते हैं, मैंने अभी शुरू में तुम्हें बताया था ना, इसके और इसके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर इस तरह की नोड है तब तो हमें पता है कि चाहे एक नोड हो तो भी उसके नेक्स्ट नल आएगा, लास्ट नोड हो तो भी नेक्स्ट, तब तो हम लिखते हैं स्टार्ट के नेक्स्ट में नल। अब इसका एक हिस्सा देखो ये है, इसका साथी। अगर सर्कुलर है तो हम यहाँ नेक्स्ट में नल नहीं डालते, क्यों? क्योंकि वो तो घूम के वापस खुद पे आएगा, तो नेक्स्ट में कभी नल होता ही नहीं, उसके बदले यहाँ पर क्या हो जाता है, नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाता है। चाहे ये तो लास्ट में नल पे खत्म होती है, ये एक नोड हो चाहे दो नोड हो, वापस खत्म स्टार्ट पे होगी। अब अगर डबली लिंक लिस्ट है तो, डबली लिंक लिस्ट है तो आगे भी नल होता है, पीछे भी नल होता है। एक लाइन देखो डबली के लिए क्या पड़ेगी, डबली लिंक लिस्ट के लिए हम लिखेंगे स्टार्ट के प्रीवियस में नल, क्यों? क्योंकि एक ही नोड है, आगे भी नल पीछे भी नल, दोनों साइड नल। लेकिन अगर डबली सर्कुलर है तो भाई नल नहीं होगा, क्या होगा, स्टार्ट होगा, आगे भी स्टार्ट और लास्ट वाली नोड हो चाहे एक नोड हो पीछे भी क्या होगा, स्टार्ट। कोई भी लिंक लिस्ट पढ़ लो इनमें से, नॉर्मली क्या होता है, अगर दो नोड है, पहली नोड तो स्टार्ट ही है, ठीक है, दूसरी हमारी एक नोड और जोड़नी होती है, उसको हम लोग नोड मानते हैं। अब होता क्या है कि हमें इसका नाम बदलना पड़ता है टैम्प करते ही, तो इसमें से कोई भी लिंक लिस्ट हो, एल्स टाइम बराबर स्टार्ट होता ही है, एक लूप पक्का चलता है इसके जस्ट बाद में। अब लूप का तरीका देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। टाइम के नेक्स्ट में नॉट इक्वल टू नल लिखा, नल नेक्स्ट में तभी आएगा जब ये क्रॉस है, अगर ये क्रॉस नहीं है तो नल भी नहीं आएगा। अगर सर्कुलर है तो टाइम का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट होगा, डबली सर्क्यूलर है तब भी टाइम का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट होगा। अगली नोड में जाने का चाहे चारों में से कोई भी हो, एक ही बात होती है, टैम बराबर टैम नेक्स्ट।
एक ही चीज है सबके लिए, कॉमन बात, टैंप बराबर टैंप का नेक्स्ट। भाई तू टैंप नहीं है तो अगले वाली टैंप होगी, अपने तो ये टैंप है। तो मैं पहले की बात करता हूँ फर्स्ट के लिए, इसमें क्या होता है टैंप के आगे नोड, टैंप के आगे नोड, नोड के आगे कौन है, नल है भाई, नोड के आगे कौन है। इसमें देखो तीन हिस्से हो गए, प्रीवियस भी हो गया, फिर टैंप के आगे नोड, नोड के आगे नल तो है, नोड के पीछे भी तो कोई है, तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, नोड के प्रीवियस में ये जुड़ जाएगी डबली लिंक लिस्ट, चाहे डबली सर्कुलर है चाहे डबली लिंक लिस्ट है, सिंपल। चलो अगर मैं कहता हूँ कि प्रीवियस की बात करो, प्रीवियस के हो गए, अब ये तो सर नल पे ख़त्म होती है और ये वाली तो सर्कुलर पे होती है, कोई बात नहीं अभी हम बात करते हैं। तो फर्क क्या आएगा, फर्क इतना ही आएगा बेटा कि हम यहाँ पे जो नोड है, जो लास्ट हमारी नोड है ना, इसके प्रीवियस से टैंप हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट में नल है इसके बदले हमें एक ही चेंज चेंज करनी है स्टार्ट, मतलब नोड के नेक्स्ट में यहाँ तो नल था लेकिन यहाँ नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टार्ट, और स्टार्ट के प्रीवियस में टैंप तो हो चुका है, वो तो पहले ही हो गया था, वो तो शुरुआत में हो गया था। तो ये एक हो गया, इतना सा बदलाव आपको करना है सर्कुलर बनाने के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे, अब देखो मैं बताता हूँ इंसर्शन एंड मिडल, क्योंकि इंसर्शन एट फर्स्ट डिलीशन एट फर्स्ट थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीकों से यूज हो सकता है, लेकिन इंसर्शन एट मिडल चारों में एक जैसा है, इसलिए इस चीज को हम रखेंगे। चाहे कोई भी लिंक लिस्ट हो, आपको उस जगह पे पहुंचना ही पड़ता है, सबसे पहले नोड बनानी पड़ती है, फिर नोड में डेटा डालना पड़ता है, फिर काउंटर देना पड़ता है, चलाना पड़ता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, टैंप बराबर स्टार्ट, टैंप नॉट इक्वल टू नल, टैंप बराबर टैंप का नेक्स्ट, और सी प्लस प्लस, फिर एक पोजीशन भी मांगनी पड़ती है, अगर सी पोजीशन माइनस वन के बराबर है। ठीक, अब सर जी मुझे तो ये बताओ कि ये तो हो गया सर, अगर ये वाला हो तो पहले इसको जोड़ना सिखाऊं तुम्हें, जहां पे भी रुकता है ये टैंप होता है, ये टैंप का नेक्स्ट होता है। अच्छा, तो पहले इसको इससे जोड़ना है, क्योंकि ये भी इसका एड्रेस रख रहा है, अगर ये इसको भूल के इसका एड्रेस रखने लगे भूल जाता है वो, पहले इसको इससे जोड़ना है। तो लाइन क्या लिखेंगे, नोड के नेक्स्ट पे टैंप का नेक्स्ट, नंबर लगाना सीख, मेरे सारे वीडियो में नंबर लगाया हुआ है, नोड का नेक्स्ट टैंप का नेक्स्ट, और इसको इससे जोड़ दो। एक डब्बा ये था, इसने इसका एड्रेस रख लिया, इसने इसका एड्रेस रख लिया, क्या लिखा, टैंप के नेक्स्ट में नोड जुड़ गया। चल पहली वाली हो गई सर, सर ये तो सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली सर्कुलर हो तो कुछ नहीं बेटा, टैंप नॉट इक्वल टू नल है ना, क्यों, क्योंकि टैंप कब तक चलता है, जब तक नल ना हो जाए। सिंगली सर्कुलर में बेटा कितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट हो, कितनी भी बड़ी हो, खत्म कहाँ आएगी, स्टार्ट, इसलिए इसके बदले केवल इतना सा लिखना, टैंप का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट, किसके लिए, सर्कुलर के लिए, बाकी सर सेम ही है, हाँ सिंगली लिंक लिस्ट सिंगली सर्कुलर वैसी तरीके से जुड़ेगी। ठीक है, चलो सर डबली लिंक लिस्ट का बताओ, ऐसा करते हैं इसके दो डिवाइडेशन करते, एक इधर प्रीवियस जुड़ जाएगा, एक इसके भी तो प्रीवियस होगा, इसके वाले प्रीवियस के में टेंशन नहीं है, तो पीछे वाले का एड्रेस रख रहा है, ये दो ब्लॉक और जुड़ जाएंगे, ये वाला इसका एड्रेस रखेगा, ये वाला इसका एड्रेस रखेगा। अच्छा, तो पहले इसको इसका एड्रेस दे देते हैं, तो नोड के प्रीवियस में टैंप, नोड के पीछे टैंप है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, टैंप का नेक्स्ट, ठीक है,
हमने कहा टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में कौन है, नोड है, ये कौन है भाई, ये तो डबली लिंक लिस्ट है, यानी कि ये हुआ सर। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, अगर टेम्प नॉट इक्वल टू नल है और इतनी लाइनें लिख रहे हैं तो ये पहली वाली है, ठीक है। अगर सर्कुलर की बात करें तो सर टेम्प नॉट इक्वल टू नल है ना, क्योंकि वो नल पे ख़त्म होता है, लेकिन सर्कुलर अगर है ना तो आपको लिखना है टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट। अच्छा डबली लिंक लिस्ट हो तो सर ये ख़त्म तो नल पे ही हो रहा है, लिखना तो ये चीज़ है ही डबली लिंक लिस्ट में, क्योंकि सर्कुलर तो है नहीं, लेकिन ये दो लाइनें एक्स्ट्रा जोड़ दो तो ये वाली हो जाएगा सर डबली लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि आगे ये इसका पीछे वाला एड्रेस है, इसका पीछे ले भाई डबली सर्कुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये चीज़ जोड़ने से तो बन जाता है सर्कुलर, और ये चीज़ जोड़ने से बन जाता है डबली लिंक लिस्ट। तो ये हो गया सर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब इसके बदले तो ये लिख दो, ये स्टार्ट में ख़त्म होती है, इसके बदले ये लिख दो, ये हो गया इंसर्शन एट मिडल। देखो अगर डिलीशन एट मिडल हो जाए तो देखो मैं तो बार बार कोडिंग लिखना नहीं चाहता, तभी आपको कह रहा हूँ बेटा इसमें देखो पोजीशन मांगनी है, नई नोड हमें नहीं बनानी, हमें तो डिलीट करना है ना, पोजीशन मांगनी है, वैसे ही लूप चलाना है, वैसे ही पोजीशन प्लस प्लस करनी है, वैसे ही पोजीशन माइनस वन पर रुकना है। तो सर फिर रुक गए, रुकने के बाद में इसको कैसे ख़त्म करें बेटा, इसने इसका एड्रेस रखा हुआ है, इसको इसका एड्रेस याद है, अगर ये वाला ये जो भी नोड है ये अगर सीधा इसका एड्रेस रखने लग जाए यही ख़त्म होगी, तो कैसे होगा, मतलब मान लीजिए सात ने आठ का एड्रेस रखा हुआ, आठ ने नौ का एड्रेस रखा हुआ, अगर सात सीधा नौ का एड्रेस रखने लग जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी। इसका नाम क्या है सर, बेटा इसका नाम ही होता है केवल टैम, अगले वाले का नाम टैम का नेक्स्ट, अगले वाले का नाम टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट, अगले वाले का नाम टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, इतनी अपन को जरूरत ही नहीं। तो क्या करें, एक लाइन लिखने की आदत डालो बेटा, टैम का नेक्स्ट बराबर टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब टैम के आगे नू का एड्रेस आ जाए, ठीक है। ये कौन सी लिंक लिस्ट है, ये है सिंगली लिंक। अच्छा तो सर सिंगली सर्कुलर अभी तो बताया था बेटा, कितनी बार बताऊं तुम्हें, टैम नॉट इक्वल टू नल लिख रहे थे ना, वहां टैम का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट लिख, क्यों, चीज तो वही है लेकिन वो नल पे खत्म ना होके इसका एड्रेस रखती है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं टैम का नेक्स्ट जब तक स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा ये दो हो गई, डबली का बताओ सर, डबली का बेटा एक सिंपल सी बात है, इसने इसका एड्रेस रखा है ना, तो तू भाई वापस इसका एड्रेस रख, एक दूसरे का एड्रेस रख, ठीक है सर, इसका नाम टैम था, इसने आगे इसका एड्रेस रखा, इसका नाम क्या है, इस पूरे का नाम है टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये तो था सिंगली लिंक लिस्ट, मैंने क्या कहा टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है, पूरे का नाम टैम के नेक्स्ट, और ये जगह कौन सी है, कहाँ एड्रेस रख रहा है, ये तो आगे रख रहा था, ये पीछे रखेगा, पीछे को क्या बोलते हैं भाई, पीछे को बोलते हैं प्रीवियस। अच्छा इसने तो लिखा था टैम्प, इसने कहा था टैम्प के आगे, आगे इसके आगे, ये कौन है टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। अच्छा पहले इसका पूरा नाम बोलो, टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसके कहाँ, पीछे, पीछे किसका एड्रेस, टैम्प, कौन सी लिंक लिस्ट है भाई, डबली लिंक लिस्ट। अच्छा सर ये डबली लिंक लिस्ट हो गई, इसने इसका एड्रेस रखा, इसने इसका एड्रेस है, बस नाम ही तो याद रखना है, टैम्प, टैम्प के आगे, आगे को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसके पीछे इसका एड्रेस रखना है, टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो इसका नाम हो गया इसके पीछे, पीछे 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 मतलब प्रीवियस। अच्छा ये हो गई डबली लिंक लिस्ट हो गई सर, सर डबली सर्कुलर हो तो उसमें तो लास्ट में नल होता ही नहीं बेटा, कितनी बार तो तुम्हें बता दिया कि कभी भी टैम नॉट इक्वल टू नल नहीं होता, जब भी सर्कुलर हो, चाहे डबली सर्कुलर हो चाहे सिंगली सर्कुलर हो, टैम का नेक्स्ट
नॉट इक्वल टू स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बेचारा नल पे खत्म होता ही नहीं है, वो तो घूम के वापस स्टार्ट पे ही आता है। तो आपको इसके बदले केवल ये लाइन लिखने से ये सिंगली सर्कुलर भी बन जाती है और ये डबली सर्कुलर भी बन जाती है। ये केवल लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है सिंगली सर्कुलर में और ये लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है डबली सर्कुलर। केवल सिंगली लिंक लिस्ट हो तो इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा इसके साथ। ये क्या किया हमने, डिलीशन एट मिडर। अब अगर कोई कहते डिलीशन एट लास्ट करो है ना, या डिलीशन लास्ट करो, वो तो एक अलग सी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कहा जाए इंसर्शन एट लास्ट करना है, अब इंसर्शन एट लास्ट चाहे सिंगली लिंक लिस्ट का हो, डबली का हो, सर्क्यूलर का हो, डबली सर्कुलर का, तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, समझ में आता ही नहीं है तुम लोगों को, तो बेटा ऐसा करो क्रिएट पढ़ी थी तुमने गलती से, क्रिएट के अंदर एल्स इफ में तो लिखा था स्टार्ट अगर नल है, एल्स में कोई कोडिंग लिखी थी तुमने, जितनी भी कोडिंग लिखी थी उसका मतलब इंसर्शन एट लास्ट है। इसी के लिए भी बात कर, सबका इंसर्शन एट लास्ट है। इतनी सी बातें अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो दोबारा से देख लो भाई, यही थोड़ी ना करते रहेंगे अपने बार बार वही 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 बात ना, वीडियो दोबारा से देख लो। तो चलो सर ऐसा करो डिलीशन एट लास्ट तो बता दो। डिलीशन एट लास्ट अगर आपको करना है ना, पहले तुम रुकने की आदत डालो। रुकते कैसे है, रुकते ऐसे है कि हम लोग एक लूप में, लूप चलाना तो आता है ना तुम्हें, आता है टाइम बराबर स्टार्ट, तब तक चलाते हैं। अगर सर सर्कुलर होता है तब तो हम नॉट इक्वल टू स्टार्ट चलाते हैं, कितनी बार तो बता दिया आपने, आगे थोड़ी ना बार बार पूछते रहेंगे एक ही जैसी बातें। और अच्छा सब पूछ बता रहे हो सर्कुलर, और सिंपल हो तो बेटा सिंपल वाली कौन सी होती है सर, जिसके नल पे खत्म। अच्छा नल पे खत्म हो गया, सिंपल नॉट इक्वल टू नल लिखो, ठीक है, यानी कि ये दोनों सर्कुलर होगा तो ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब लिखना क्या है, लिखना ये है कि चलते चलते हमें एक स्टेप पीछे रुकना है, हमें इसको खत्म करना है लास्ट वाले, मान लो 11 है इसके, एक स्टेप पीछे कैसे रुके भाई, अगर इसका नाम टैंप है, अगर किसी भी तरह से इसका नाम टैंप हो तो अगले वाले का नाम क्या होगा, टैंप का नेक्स्ट होगा, अभी तो 2 मिनट पहले बताया था सर। चल इस छोटे डब्बे का नाम क्या होगा, सर ये टैंप के नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा होके बोलूँ टैंप के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तभी तो मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो टैंप का नेक्स्ट नेक्स्ट नल होगा। अच्छा तो अगर डिलीशन एट लास्ट है तो आपको टैंप के नेक्स्ट का नेक्स्ट बोलना है और कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बोलनी। अगर नॉट इक्वल टू नल बोलूंगा तो ये कितनी बार तो बता दिया इसकी बात कर रहे हैं, और मैं नॉट इक्वल टू स्टार्ट बोल दूं तो इसकी बात कर रहे हो सर्कुलर की, सिंगली सर्कुलर डबली सर्कुलर, लूप कैसे चलाते हैं, लूप ऐसे चलाते हैं टैम बराबर टैम का नेक्स्ट, ये नहीं टैम प्लस प्लस, अरे बेटा टैम अगले वाला टैम, टैम अगले वाला टैम, जिंदगी भर बेटा आई प्लस प्लस थोड़ी ना आता रहेगा है ना, या लेस देन ग्रेटर देन थोड़ी ना आता रहेगा, कई बार ये भी लिखना पड़ता है जब तक नल ना हो जाए अगले वाली टैम बन, या टैम बराबर जीरो कभी थोड़ी ना लिखा जाता है, टैम बराबर स्टार्ट शुरू होगा खत्म सेमी कोलन, सेमी कोलन सर हमने तो लूप के अंत में कभी लगाया ही नहीं। अच्छा तुम्हें कोडिंग में कोई दिक्कत रही होगी, इसका मतलब अगर लास्ट में है ना सेमी कोलन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि लूप लगातार चलता रहेगा, आगे की लाइनें रीड नहीं करेगा बार बार। अच्छा तो सर रुकेगा कहाँ, यहाँ इसका नाम टैंप होगा, एक नोड पहले लास्ट डब्बे से पहले वाले डब्बे पर रुकेगा। अच्छा यहाँ क्यों रुक रहे थे, अभी तो बताया था बेटा 11 इसके अंदर है, इसके दिमाग से अगर ये एड्रेस मिटा दोगे तो भूल जाएगा, जैसे तुम्हारे दिमाग से लिंक लिस्ट मिट जाती है ना, वैसे इसके दिमाग में अगर कुछ और डाल दोगे तो भूल जाएगा। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है टैंप, टैंप के कहाँ डालना है नेक्स्ट में, ये टैंप का नेक्स्ट है सर, ठीक है क्या डालना है, देखो सर ये दोनों तो खत्म होते हैं नल पे,
दस बार तो आपको क्रॉस दिखा दिया, देखो क्रॉस मतलब नल पे। सर्कुलर लिंक लिस्ट है या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो वो खत्म होते हैं स्टार्ट पे। अगर आप लिखोगे नल तो हम कहेंगे आप इन दोनों की बात कर रहे हो, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट की। और अगर मैं लिख दूं स्टार्ट तो हम कहेंगे आप बात कर रहे हो सर्कुलर लिंक लिस्ट की या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की। ये क्या हो गया, डिलीशन एट लास्ट। अब बचा क्या, इंसर्शन एट फर्स्ट और डिलीशन एट फर्स्ट। उसका थोड़ा सा कंसेप्ट तुम दिमाग लगाओगे सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे लिंक लिस्ट और उनके सारे ऑपरेशन हो गए।